मंडल अध्यक्ष गुप्ता जी, सम्मानित मंच, उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथी और मान्य शक्ति, सबसे पहले मैं आप सबको इस जन्म के इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूं। हम उस क्षेत्र के वासी हैं जहां कन्हैया ने जन्म लिया। ब्रज क्षेत्र कहा एक अंग है और ब्रज क्षेत्र के मथुरा में कन्हैया ने जन्म लिया था। ये सौभाग्य है हमारा। शुभकामनाओं के बाद फिर मैं आपसे क्षमा चाहूंगा कि मैं थोड़ा विलंब से आया। और कार्यक्रम भी थे हमारे क्षेत्र में, अपने ही विधानसभा क्षेत्र में। जब तक वो लोग नहीं छोड़ते तो मैं यहां तक कैसे पहुंचता। और आप जानते हैं कि उनका आग्रह आग्रह कुछ भी कहिए, वो इतना मजबूत होता है कि जब तक वो न छोड़े हम हिल नहीं सकते, क्योंकि हमें यहां तक पहुंचाने वाले कोई लोग। तो मैं आपसे माफी मांगूंगा पहले कि मैं थोड़ा देर से आया, थोड़ा इंतजार करना पड़ा। लेकिन इतना भव्य दिव्य कार्यक्रम, मेरे ख्याल अगर मथुरा के वृंदावन की बात कहीं होता है तो मैं यहीं पर होता। तो मैं सबसे पहले ये जो कन्हैया के भक्त हैं इनका पुष्प अर्पण करके अभिवादन करना चाहूंगा। सभी कृष्ण भक्तों का अभिवादन। मेरी पहुंच आखिर तक नहीं है लेकिन भावना आखिर तक पहुंचनी होगी। पुष्प तो यही रुक गए लेकिन भावनाओं के पुष्पों को मैं आखिर तक प्रेषित करना चाहता हूं। मित्रों, हम उस उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। इस बात का हम सबको गर्व होना चाहिए जहां राम ने जन्म लिया, जहां कृष्ण ने जन्म लिया और काशी विश्वनाथ का प्राकट्य केंद्र भी हमारे प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश उस धरती वह धरती है जहां से पूरे विश्व को हिंदुत्व का संदेश जाता है और हिंदुत्व के प्रणेता जहां प्रकट हुए थे। हम और भी ज्यादा सौभाग्यशाली इसलिए हैं कि हम ब्रज क्षेत्र के निवासी हैं और आगरा हमारा जिला है। आगरा को मैं अप्रिशिएट करता हूं और आगरा को तीनों शक्ति केंद्र का समाहित एक शहर मानता हूं, एक जिला मानता हूं। आज से मतलब अयोध्या पति पुरुषोत्तम श्री राम का शहर है, जिला है आगरा। दूसरा शब्द है आगरा का गा। गंगा जिसके सिर पर विराजती है, ऐसे काशी विश्वनाथ आगरा के चारों कोनों पर विराजते हमारे कोतवाल है, हमारे शहर के ऐसा शहर है आगरा। और मां तीसरा शब्द आगरा का राधिका अपने श्री कृष्ण की जन्मभूमि का अंग है आगरा। तो यह हमारा सौभाग्य कि हमने ऐसे शहर में जन्म लिया है जो काशी विश्वनाथ को भी प्रतीक बनता है, अयोध्या का भी प्रतीक बनता है और मथुरा का प्रतीक बना हुआ है। और वही भक्ति भाव आप लोगों में है, इसीलिए इतना बड़ा कार्यक्रम जहां तक नजर जा रही है सिर से नजर आते हैं। मुझे कल्पना नहीं थी कि इतना बड़ा कार्यक्रम होगा। जितेंद्र जी ने कहा जरूर था कि कार्यक्रम बड़ा होता है लेकिन इतना बड़ा होगा ये यही आकर मालूम पड़ा। हमारे जो भी अवतार हैं उसमें कृष्ण भी एक है और हमारे अवतारों ने जब जब हमारी जो फलसफा है, दर्शन है, जो फिलोसफी है, उसका सार यदि है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्। यानी जब जब धर्म की हानि होती है, इस धरती पर पापाचार होता है,
ईस्टर जन्म लेता है हमारे धरती पर और इस धरती को आताताइयों से मुक्त कराता है, पापाचार से मुक्त कराता है। आज उसी कृष्ण का जिसने कंस और कंस की जो टीम थी बहुत बड़ी असुरों की, उनसे मुक्ति दिलाई थी हमारे इस धरती को, उन जन्मदिन है। ईश्वरी शक्ति थी और ईश्वर स्वयं अवतार ने कहीं पर लिया है तो हिंदू धर्म में लिया है, और ना तो कहीं पैगंबर आए होंगे, कहीं पर भूत आए होंगे, कहीं पर अंश आए होंगे, लेकिन हिंदुत्व ही हुई है जहां पर भगवान स्वयं आके अवतरित हुए हैं। ये हमारे धर्म की विशेषता है। आज आप लोगों ने मुझे यहां बुलाया, इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, खासतौर से जितेंद्र जी का और उनकी टीम का, जिन्होंने इतने सारे भक्तजनों के दर्शन कराए, क्योंकि भगवान से बड़ा भगवान का भक्त होता है। और जब भक्तजनों के दर्शन हो जाते हैं तो भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं। तो आप सबके दर्शन हुए और इनकी कृपा से हुए, जितेंद्र जी इनके आदेश पर हुए, इनकी टीम के आदेश पर हुए, तो ये मेरा सौभाग्य है कि आपके दर्शन के माध्यम से ईश्वरी दर्शन हो रहा है मुझको, और इतना भव्य देव कार्यक्रम का अनुभूति ये मैं कर रहा हूं यहां पर आकर। मैं पुनः आप सबको कृष्ण जन्म की बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और जो कृष्ण के आदर्श थे उन आदर्शों पर हम चले तभी सच्ची कृष्ण की भक्ति होगी। कृष्ण ने हर काम युक्ति से किया। मित्रों राजनीति उन्होंने भी की, हम भी राजनीतिक लोग हैं, जितेंद्र भी राजनीति, यहां भी राजनीति के काफी लोग बैठे मर चुके। एक एक चलन है बोलने का कि राजनीति गलत होती, राजनीति गंदी है, राजनीति कभी गलत नहीं। राजनीति किन हाथों में आप सौंप रहे हैं वह गलत हो सकता है, सही। राजनीति उस तरल पदार्थ की भांति है जैसे पानी को यदि बोतल में रखा जाता है तो बोतल का आकार ग्रहण कर लेता है, पानी को घड़े में रखते तो घड़े का आकार ग्रहण कर लेता है, गिलास में रखते गिलास का आकार ग्रहण कर लेता है, जो तरल पदार्थ जिस पात्र में होता है वैसा आकार ग्रहण करता है। राजनीति भी किस पात्र को सौंप रहे हैं, राजनीति वैसा आकार ग्रहण करे। राजनीति राम के हाथों है भैया, राजनीति भक्ति थी, राजनीति कृष्ण के हाथ पहुंची, राजनीति युक्ति बदल, राजनीति रावण के हाथ पहुंची शक्ति बनी, राम के हाथों भक्ति, कृष्ण के हाथों युक्ति, रावण के हाथों शक्ति, इंद्राजी के हाथ पहुंची आसक्ति बनी,